साहब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मानी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानी गलाजी आन्ना साहब, विभाग के मंत्री सम्मानी डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र से आपका लंबा संबंध रहा हुआ है, शायद हमारी नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है। ये जो बागेरी का नाका की योजना बनी थी, तब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सरकार ने कहा था कि बनास पर 2 मीटर से ऊपर हम इंडिकेट नहीं बना सकते। उस समय आप उप मुख्यमंत्री थे और आपने निर्णय किया, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, गुलाब सिंह जी सत्तावत, कमला बेनीवाल जी, माधव सिंह जी दीवान, ऐसे व्यक्तियों की कमेटी बनाकर आपने निर्णय किया। उस निर्णय के फलस्वरूप ये बागेरी की नाका की योजना बन सकी और आज बागेरी की नाका में लगभग 350 MCF की पानी है और आज लगभग पूरे इलाके में करीब 250 जितने भी गांव हैं वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था करवा पाए। वो योजना को मुफ्त रूप देने का काम किया, इसी रोल आपने किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज राजस्थान में आप मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने के बाद नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है, इसमें आपने जो हमें सहयोग किया, उसके कारण आज राजस्थान में जो कुछ भी विभाग विकास हुआ, उससे ज्यादा विकास नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क के मामले में बात करें, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करने का बात करें, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में आपके प्रति मुख्यमंत्री काल में जो कुछ भी विकास हुआ, उसके हम जितनी प्रसन्नता करें उतने कम है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते जो कुछ भी मैंने आपके सामने मांगा थी, उन मांगों को आपने पूरा करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, वेलनेस सेंटर की जो कल्पना हमने की थी, इस वेलनेस सेंटर की कल्पना के बारे में हमारे मन में कल्पना थी, एक अच्छा आधुनिक वेलनेस सेंटर बनना चाहिए और वो वेलनेस सेंटर कहाँ बनना चाहिए, उस स्थान का चयन करते समय हमने ध्यान रखा बागेरी का नाका, बनास और इसके आसपास का जो नैसर्गिक वातावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वेलनेस सेंटर के लिए स्थान प्रस्तावित किया। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, वेलनेस सेंटर आप और आयुर्वेद विभाग के मंत्री, जिनके कारण आज ये मूर्ख रूप ले रहा है, इसको पूरा करने के लिए हमारे जो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से श्री राम पंडित जी ने इस देश में नवाचार करने का काम किया, समाज को बदल करने का काम किया। उस परिवार के सदस्य आज इस अवसर पर उपस्थित है। मैं आशा करता हूं कि ये वेलनेस सेंटर न केवल राजस्थान बल्कि प्रदेश और दुनिया का एक ऐसा वेलनेस सेंटर बनना चाहिए, जहां हम कह सकते हैं कि सरकार और परिवार ने मिलकर, जिस तरह का गायत्री परिवार ने मिलकर इस वेलनेस सेंटर की कल्पना की है, वो एक आदर्श वेलनेस सेंटर देश में याद रखा जाए। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में आपने राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए वो सब कदम उठाए जिससे आप स्वस्थ रह सके। आपने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया, आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम किया, सड़क की व्यवस्था करने का काम किया, पर आप सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आदमी स्वस्थ रहे। यदि आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी खड़ा कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज में वेलनेस सेंटर न केवल प्रदेश में या देश में लोगों को बता पाएगा कि महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, बीमारी होने के पहले आदमी स्वस्थ कैसे रहे, जिसकी कल्पना आप एक निरोगी राजस्थान के रूप में आप सोच रहे, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये वेलनेस सेंटर एक आदर्श वेलनेस सेंटर बनेगा और लोगों को प्रेरित करेगा कि स्वस्थ रहने के लिए नेचर के पास रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जो पद्धति है, चाहे प्राकृतिक व्यवस्था का मामला हो, चाहे आयुर्वेद का मामला हो, चाहे योग का मामला हो, प्राकृतिक आयुर्वेदिक और योग प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के एक ऐसे आधार स्तंभ है जिस पर इस समाज ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ समाज बन सकता है। स्वस्थ समाज बनना ही इस देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे मालूम है, मैं आपको अधिक समय नहीं लेना चाहता, मुझे मालूम है कि आपको दिल्ली जाना है, पर आपने समय निकाल कर इस
कार्यक्रम में उपस्थित होने का निर्णय किया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बजट को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार की बजट से आगे और हम सौभाग्यशाली जिले में है जहाँ DMFT का पैसा उपलब्ध है। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के दिन आप घोषणा करें कि पहले फेज के लिए 30 करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है वो 30 करोड़ रुपए की राशि DMFT में मिलेगी, जिससे 1.5 साल में हम DMFT के माध्यम से एक आदर्श रेलवे सेंटर की कल्पना को साकार कर सके। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ये सारा कार्यक्रम संपादित करने के लिए हमारे डॉक्टर चिन्मय जी आए, यहाँ पर आए हैं। पंडित श्री राम जी के मन में कल्पना थी कि मैं गायत्री परिवार का एक स्थान इस राधा इस हल्दी घाटी के स्थान में भी करूँ। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमने एक स्थान का चयन किया है, गायत्री परिवार को वो स्थान निःशुल्क मिल सके, तो मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक गायत्री परिवार और यहाँ पर नाथद्वारा में जितने भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी जो क्षमता है, उनका जो मेन पावर है, उनका जो नॉलेज है, इसके हम उपयोग ले सकेंगे। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आप 30 करोड़ रुपये MFT के लिए फर्स्ट फंड में दें, वहाँ गायत्री परिवार में इस स्थायी स्मृति को रखने के लिए इस वेलनेस सेंटर में गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आए हैं, उन गायत्री परिवार का एक संस्थान नाथद्वारा में भी हो, इसे 4 हेक्टेयर की भूमि निःशुल्क की राजस्थान सरकार देगी, तो मैं आशा करता हूँ आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे और लंबे समय तक गायत्री परिवार का संबंध हमसे जुड़ा रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं आपको अधिक मांग नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे सब साथी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी आते हैं कुछ न कुछ देते हैं, अब मैं कुछ मांग करूंगा वो भी ठीक नहीं लगेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं जो पंचायत मुख्यालय से दूर है, वो 8वीं क्लास है, कुछ चिकलवास का गांव है, कोई ताक पतौरा का गाँव है, कोई तकड़ा का पूरा गाँव है, वहाँ के बच्चे अपने पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए आते हैं। जब आपने पंचायत मुख्यालय में 12वीं स्कूल कर ही दी है, तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत मुख्यालय के अलावा जो 2-3 किलोमीटर उस पंचायत मुख्यालय के दूसरे गांव है वहाँ 8वीं स्कूल है, वहाँ भी 80वीं स्कूल आप कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर और आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। मैं आपका हम मुख्यमंत्री जी मैं इस इलाके में आपको लाया हूँ, ये इलाका वो है जहाँ आदिवासी भाई बहुत ज्यादा है और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ ये TSP का इलाका नहीं है, TSP के इलाके को हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अरे सितर 200 दे दो, सितर 200 दे दो, 70% आदिवासी है, कैटेगरी के मासवाड़ा के वो बच्चों में आदिवासी भाई है, उनको नौकरियों में जो लाभ मिल रहा है वो लोग आदिवासी रह रहा है वो ज्योग्राफिकल डिविजन के कारण TSP इलाके में नहीं आ रहा है, चाहे आदिवासी यहाँ हमारे रास्ता बनता हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे आदिवासी नाथद्वारा का हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको स्मरण होगा जब आप पहले मुख्यमंत्री थे तब हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थी, मुझे बहुत कहते हैं प्रसन्नता है कि मेरे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में 250 के करीब राजीव गांधी पाठशालाएं खुली और मैं जब 10 साल बाद चुनाव करने के लिए आया तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आदिवासी का बच्चा पढ़ लिखकर आगे बढ़ रहा है, कोई बच्चा सब नवोदय विद्यालय में 90% लेके आ रहा है, कोई BSc BEd करके आ रहा है, कोई MA करके आ रहा है, पर जो नौकरी की व्यवस्था है जिसमें TSP इलाके में आदिवासी नहीं होने से इनको नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है और इनको कंपटीशन करना पड़ रहा है इन आदिवासी भाइयों से जो ऑलरेडी एडवांस है, चाहे समय वालों को मिलते हो चाहे करोड़ों में रहते हो, इनका कॉम्पिटिशन होना चाहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर की आदिवासी से, इनको जब तक नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम पढ़ाने की कितनी भी कल्पना करें आदिवासी इलाके में नहीं मिलेगा। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नियम और कानून में परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा, और नियम और कानून में परिवर्तन करने करके हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी है, जो कुंभलगढ़ के आदिवासी है, जो राजसमंद के आदिवासी है, जो मौली के आदिवासी है, जो बल्लभ नगर के आदिवासी है, उन बच्चों को भी नौकरी कैसे मिले इसके लिए नियम और कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये संभव हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी डिस्ट्रिक्ट को आधार बनाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैं सिलेक्शन होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंसंट्रेशन है भील भाइयों का वो कंसंट्रेशन सवाई मीटर पर नहीं है, करौली में नहीं है, तो प्राथमिकता के आधार पर ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी वेलनेस सेंटर में आवे और तकलीफ में हो, कमजोर हो, तो वेलनेस सेंटर का लाभ नहीं मिलता है, वेलनेस सेंटर का लाभ मिलता है जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, फिर अभी आए अंदर आए यहाँ पर तो उसको लगता है कि मुझे स्वस्थ रहना जो हो सके। इसलिए आदिवासी भाइयों को नौकरी का अवसर मिलेगा, पढ़ लिखकर रोजगार बनेंगे, ये बागेरी का पानी पिएंगे जिसमें मिनरल वाटर का पानी है, तब ये स्वस्थ आदिवासी का बच्चा नौकरी करके हाकम बनेगा, हुकूमत करने का काम करेगा, तब लगेगा कि महाराजा प्रताप की भूमि में हमने आपका स्वागत किया। वो स्वागत उस दिन किया था जब रेलवे स्टेशन में आपको बुलाया था। इस 27 वर्षों को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा दो ही निवेदन है, आप मेहरबानी करके इसमें नियम और कानून में परिवर्तन करें जिससे आदिवासी भाई आगे बढ़ने का काम कर सके। और इस 27 मूर्ति को बनाने के लिए गायत्री परिवार को आप 4 हेक्टर की जमीन निःशुल्क दें, जिसके स्थायी रूप से पंडित श्री राम जी के मन में प्रार्थना थी कि मैं नाथद्वारा और आशीघाटी में भी एक स्थान बना सकूं, वो स्थान आप स्थायी रूप से बन सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हमारे एक नवाचार का लक्ष्य साफ करें वो भी आपको कहना चाहता हूँ। माली हालत सुधारने के लिए नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हमें नवाचार कर रहे कृषि का, हमने कृषि के क्षेत्र में लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेनिंग करके भेजा है और आज मुझे कहते हैं प्रसन्नता है हमारा आदिवासी भाई कैश क्रॉप की तरफ जा रहा है, कोई आज फल सब्जी हो रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, अपनी बालियां सुधारने का काम कर रहा है। आपने हमारे जिले में दुग्ध समृद्धि बनाने का निर्णय किया है, हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो लोग के पास गाय और भैंस है वो क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस लावे, उनके 2 पैसे की आमदनी ज्यादा हो सके। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों की माली हालत सुधरे, और माली हालत तभी सुधरेगी जब लोगों के हाथ में 2 पैसा है, माली हालत तभी सुधरेगी जब उसका बच्चा पढ़ा लिखा हो, होशियार हो। मैं आशा करता हूँ आपकी ये स्मृति हम सबको याद रहेगी और आपकी और डॉक्टर चिन्मय जी की उपस्थिति में मेरे इलाके के लोग आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार में खुशी आएगी, उनका बच्चा पढ़ लिखकर हाकम बनेगा, हुकूमत बनेगा, हुकूमत करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका निर्वहन करेगा। इन्हीं सब शर्तों के साथ मैं आपका हृदय से बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों को तो मालूम है आपका और मेरा संबंध बहुत लंबा संबंध है, और मैं प्रसन्नता है मेरे लंबे संबंध का लाभ मेरे इलाके में आपकी कलम से मिल रहा है, इसलिए आपकी कलम में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपकी कलम में कुछ भी हो सकता हो जो सकता हो, जिससे हमारे इलाके के लोग ये याद रख सके। तो माननीय अशोक जी गहलोत जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब इस इलाके के इलाके के परिवर्तन करने के लिए जो कुछ भी काम बाकी था वो सब काम तय किया है, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका आभार, माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का बहुत बहुत आभार, और हमारे जिले के इंचार्ज माननीय उदयलाल जी का बहुत बहुत आभार कि समय निकालकर आपके बीच में है, जितनी माते बहना भाइयों बैठे हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। अंत में एक ही बात कहूंगा, सरकार का काम अशोक जी से करवा देंगे और आपके गरीबा घर को आगे बढ़ाने का काम हम नहीं कर सकते हैं। इस रेलवे सेंटर की उद्घाटन के अवसर पर एक ही संकल्प लेके जाए, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे, और बच्चे बच्ची को जब तक 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, यही काम हमने सबने कर दिया तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। मैं एक बार सुनो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद परम श्रद्धे डॉक्टर सी पी जोशी साहब। तो मित्रों ये थे हमारा स्थानीय विधानसभा आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उदयलाल जी सहकारिता मंत्री लाइव हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। हमारा मुख्य अतिथि